ताजनगरी आगरा के सुल्तानगंज चौराहे से पालीवार पार्क की तरफ आने वाले मार्ग पर पिछले 6 महीने से टूटे पड़े नाले के कारण वहां से गुजरने वाले वाहन और यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन का टूटे पड़े नाले की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। जहां स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर और G20 मेजबानी को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं नगर निगम की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। पिछले 6 माह से सुल्तानगंज स्थित टूटा पड़ा नाला हादसे को न्योता देता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि पिछले वर्ष हुई बारिश के दौरान नाले का पुस्ता टूटकर गिर गया था। मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, इसके बाद भी नगर निगम अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं और किसी भीषण हादसे का शायद इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार ने प्रार्थना पर न्यूज को बताया कि यह नाला लगभग पिछले 6 माह से टूटा पड़ा है। नाला टूटा होने के कारण जाम की स्थिति भी बनी रहती है और कई बार इस नाले में गिरकर कई लोग घायल भी हो गए हैं। तकरीबन 6 महीने के आसपास हो गए हैं और इस नाले की वजह से टूटने की वजह से न जाने कितने इसमें गिरे हैं लोग। अक्सर गायें जो है गिर जाती हैं, उनको निकालने में बस्ती वाले बड़ा सहयोग करते हैं और बहुत मुश्किल से निकालते हैं। तकरीबन 7 से 8 फुट के लगभग गहरा होगा और आधे से ज़्यादा लबालब रहता है। अगर कोई गिर जाए तो दिखता भी नहीं है ऐसी कोई चीज़। कितना समय हो गया इसको टूटे हुए? इसको टूटे हुए 6 महीने के आसपास हो गए। 6 महीने से अभी तक किसी ने सुध नहीं लिया है? कोई ऐसा हमें तो हमारे संज्ञान में नहीं। वहीं स्थानीय दुकानदार ने बताया कि रात में कोहरे के कारण लोगों को इस मार्ग से निकलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी लंबे समय से खराब पड़ी हुई हैं। बार बार शिकायत करने के उपरांत भी अभी तक लाइटों को ठीक नहीं कराया गया है। साथ ही रश्मि नगर में भी इसी तरह के हालत बने हुए हैं। इस तरीके से ये चौराहा बहुत विकसित चौराहा है, बहुत घना चौराहा है, यहाँ पर अक्सर जाम लग रहते हैं। इसको सुल्तानगंज की पुलिया का चौराहा कहा जाता है। ये सामने जो पुल दिख रहा होगा हाईवे का, जी फ्लाईओवर जो दिख रहा है, उसके सामने यहाँ पर अक्सर जाम लगते हैं। उसके बावजूद भी ये नाला ठीक नहीं हुआ, 6 महीने करीब हो गए। अब हम देख रहे हैं काफ़ी महीनों से यहाँ के चौराहे की, हॉस्टल के सामने चौराहा है और नीचे पेशाब घर बना हुआ है और ऊपर जो है ना ये खम्भा जो लगा हुआ है, इस खम्भे की लाइट के लिए मैंने खुद पर्सनली कई बार कंप्लेंट की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट को देखने के लिए आया नहीं। अभी तक लाइटें ठीक नहीं हुई। इसकी पार्षद का कोई अता पता नहीं है, कोई निरीक्षण नहीं किया। बाकी यहाँ के बारे में मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसी तरीके से रश्मि नगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर 5-6 लाइटें इस कदर 1.5 साल से ख़राब है, और एक बार बहुत ज़्यादा मैंने किया तो उसके बाद जो कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि नई लाइटें चलेंगी क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है, और वो नई लाइटें आज तक नहीं आई। और मैंने बार बार इसकी कंप्लेंट की, सड़कें ख़राब पड़ी हुई हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने इसके लिए उनके संज्ञान में डाला, अभी तक कोई ना लक्ष्मी नगर की सड़कें बन पाई ना वहाँ की लाइटें ठीक हो पाई। इस बात से भी कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है कि अभी पड़ रही कड़ाके की सर्दी और कोहरे की वजह से कोई भी शहर का नागरिक इस नाले में गिरकर हादसे का शिकार हो सकता है। आपको बता दें कि नाले की गहराई लगभग 10 फुट है। रात्रि के समय भीषण कोहरे के कारण अगर कोई इस नाले में गिरता है तो शायद अपनी जान से भी उसको हाथ धोना पड़ जाए। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन नगर निगम अधिकारी G20 मेजबानी को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं और VIP रोडों को चमकाने में लगे हुए हैं। तो वहीं नाले पर महज कुछ बल्लियां लगाकर नाले की बैरिकेटिंग कर दी गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।